बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी इंटू क्यू वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम इज सॉल्वेबल। हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर p इंटू क्यू है वो सॉल्वेबल है। लेट g बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर p इंटू क्यू वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स, दैट इज g इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू p इंटू क्यू। अब अगर तो ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं और अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारे पास दो केस बनेंगे। केस नंबर वन, इफ पी इज इक्वल टू क्यू देन ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी रेज टू पावर टू। अब यहाँ पर हम दो आर्गुमेंट्स दे सकते हैं, एक क्योंकि ये पी ग्रुप है, एज एवरी फाइनाइट पी ग्रुप इज सॉल्वेबल, तो इसका मतलब ये है जी भी सॉल्वेबल है। सेकेंड आर्गुमेंट हम ये दे सकते हैं, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज टू पावर टू इज अबिलियन, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज टू पावर टू इज अबिलियन और हर अबिलियन ग्रुप सॉल्वेबल है, तो इसका मतलब ये है जी भी सॉल्वेबल है। Every abelian group is solvable, hence G is solvable. अगर P और Q बराबर ना हो, case number टू, if P is not equal to Q, तो हम सपोज कर लेते हैं p इज लेस देन q, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी सपोज डैट p इज लेस देन q। अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा सब ग्रुप फाइंड करेंगे जो नॉर्मल हो, ठीक है, और उसकी मदद से हम एक फैक्टर ग्रुप बनाएंगे और बताएंगे कि नॉर्मल सब ग्रुप जो है वो भी सॉल्वेबल है, फैक्टर ग्रुप जो है वो भी सॉल्वेबल है, हैंस जी इज सॉल्वेबल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जी इज सॉल्वेबल if and only if n, n क्या है, normal है, n and g by n are solvable। अगर normal subgroup solvable है, factor group solvable है, तो फिर g solvable है। अगर g solvable है तो फिर normal and factor groups are solvable। तो हम एक normal subgroup find करेंगे, prove करेंगे वो solvable है, फिर factor group बनाएंगे, prove करेंगे वो भी solvable है। अब normal group कैसे find कर सकते हैं, हमारे पास Seelothard theorem है जिसकी मदद से हम नॉर्मल सब ग्रुप फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास सीलो ग्रुप यूनिक हो। लेट एन क्यू डिनोट द नंबर ऑफ सीलो क्यू सब ग्रुप्स ऑफ जी, देन by Seelow's third theorem number of Seelow q subgroup कितने होंगे, वो हमारे पास n q congruent to 1 mod q and, जो हमारे पास number of Seelow q subgroup हैं वो group के order को भी divide करेंगे p into q। अब p into q के divisors कितने हैं, the divisors of p into q r 1 p q and p into q। अब सीलो q सब ग्रुप 1 हो सकते हैं यानी एक होगा, p हो सकते हैं q या p into q, लेकिन कंडीशन क्या है कि जितने भी सीलो p सीलो q सब ग्रुप हों वो congruent to 1 mod q हों, ठीक है। अब अगर हम देखें p, p जो है p is congruent to 0
मॉड, सॉरी पी नहीं, क्यू, क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड क्यू, क्यों बाय डेफिनेशन क्यू डिवाइड्स क्यू माइनस जीरो। सिमिलरली पी इंटू की क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू जीरो मॉड क्यू एज क्यू डिवाइड्स पी क्यू माइनस जीरो। अब क्योंकि हमारे पास जो पी है एज पी इज लेस देन क्यू, सो पी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी मॉड क्यू। अब इसका मतलब यह है कि सिलो क्यू सब ग्रुप ना तो क्यू है ना ही पी इंटू क्यू और ना ही पी, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, हेंस देयर इज अ यूनिक सीलो क्यू सब ग्रुप से क्यू, हम उसका नाम रख देते हैं कैपिटल क्यू। अब क्योंकि ये सीलो क्यू सब ग्रुप है और ग्रुप का जो ऑर्डर है वो हमारे पास पी इंटू क्यू है, तो इसका मतलब ये है क्यू का जो ऑर्डर है वो क्यू के बराबर है। ऑब्वियसली सीलो क्यू सब ग्रुप है तो उसकी उसकी जो पावर है वो क्यू की फॉर्म में होगी, क्यू पावर वन, क्यू पावर टू एट्सेट्रा, क्योंकि हमने हमने ये कहा था कि हमारे पास अगर जी जो है उसका ऑर्डर है एन इंटू पी रेज टू पावर एन, तो हमारे पास पी सब सीलो पी सब ग्रुप होगा अगर पी पावर एन जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे और पी पावर एन प्लस वन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे। तो यहाँ पर जो क्यू है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन क्यू पावर टू जो है वो हमारे पास सॉरी जो क्यू है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, क्यू डिवाइड्स पी इंटू क्यू, लेकिन क्यू पावर टू जो है वो इसे डिवाइड नहीं करता। तो सीलो क्यू सब ग्रुप है हमारे पास जो कि हमने बताया, और उसका जो ऑर्डर है वो क्यू है बाय डेफिनेशन। अब इसका ऑर्डर क्यू है, क्यू जो है प्राइम नंबर है, विच इम्प्लाइज क्यू इज साइक्लिक, साइक्लिक है तो अबिलियन है, हेंस क्यू इज सॉल्वेबल। हमें एक नॉर्मल सब ग्रुप मिल गया जो सॉल्वेबल है। नेक्स्ट कंसीडर जी बाय क्यू, जी बाय क्यू का ऑर्डर क्या होगा? विच इम्प्लाइज के अब ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये है जी बाई क्यू इज साइक्लिक, साइक्लिक है तो अबिलियन है, हेंस जी बाई क्यू इज सॉल्वेबल। अब हमें एक नॉर्मल सब ग्रुप मिला जो सॉल्वेबल है, एक फैक्टर ग्रुप मिला जो सॉल्वेबल है, तो इसका मतलब ये है हेंस जी इज सॉल्वेबल। इसे हम कह देते हैं वन, इसे कह देते हैं टू, सो बाय वन एंड टू जी इज सॉल्वेबल। फॉर एग्जाम्पल जी का ऑर्डर है थ्री इंटू फाइव, अब 15 ऑर्डर का एक ही ग्रुप है और वो साइक्लिक है। अगर ग्रुप का ऑर्डर हो पी इंटू क्यू, ठीक है, और पी जो है वो क्यू के बराबर नहीं है, अगर पी लेस देन क्यू है एंड पी डज नाट डिवाइड क्यू माइनस वन, तो फिर हमारे पास यूनिक सब ग्रुप होगा, यूनिक ग्रुप होगा, यूनिक साइक्लिक ग्रुप। यानी ए इस केस में अगर ग्रुप का ऑर्डर है पी इंटू क्यू, पी लेस देन क्यू है एंड पी डज नाट डिवाइड क्यू माइनस वन, तो एक ही ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और वो साइक्लिक होगा। अगर पी जो है वो क्यू माइनस वन को डिवाइड करे तो फिर दो ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, एक साइक्लिक दूसरा नॉन अबिलियन। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप का ऑर्डर है 10, 2 × 5, 2 ÷ 5 − 1। अब दो ग्रुप हैं, एक है C10 जो साइक्लिक है और एक है D5, तो अगर पी क्यू माइनस वन को डिवाइड नहीं करता तो एक ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, अगर पी क्यू माइनस वन को डिवाइड करता है तो दो ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, एक साइक्लिक एक नॉन अबिलियन, और दोनों ही सॉल्वेबल होंगे। तो
तो हमने थ्योरम ये दिया है कि ग्रुप का ऑर्डर पी इंटू क्यू है, पी और क्यू चाहे डिस्टिंक्ट हो चाहे सेम हो, हमारे पास जो ग्रुप जी है वो सॉल्वेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रल सीरीज। सेंट्रल सीरीज की डेफिनेशन है लेट जी बी अ ग्रुप। ठीक है, जी हमारे पास कोई भी ग्रुप है, अ सेंट्रल सीरीज इन जी इज अ नॉर्मल सीरीज। ये क्या है, हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज है किस फॉर्म में, जी इज इक्वल टू जी नॉट, जी वन, जी टू अप टू जी के इज इक्वल टू आइडेंटिटी सच डैट। अभी हमने कहा कि ऐसी सीरीज है जो नॉर्मल है, नॉर्मल है तो इसका मतलब ये है कि हर जी आई जो है वो जी में नॉर्मल है, दे सच डैट जी आई इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई वेरीज फ्रॉम वन टू के। सेकेंड कंडीशन क्या है, जैसा कि नाम से जाहिर है सेंट्रल सीरीज, तो सेंट्रल सब ग्रुप होंगे, क्वेश्चन ग्रुप जी आई माइनस वन बाय जी आई जो है ये सब ग्रुप हो सेंटर ऑफ जी बाय जी आई। अब देखें, हमने हर दो कंजेक्टिव ग्रुप्स का फैक्टर ग्रुप फाइंड किया, जी आई माइनस वन बाई जी आई, जी नॉट बाई जी वन, जी वन बाई जी टू, जी टू बाई जी थ्री, जी थ्री बाई जी फोर, जी नॉट बाई जी वन, जी वन बाई जी टू, जी टू बाई जी थ्री एंड सो ऑन। हमने ये कहा कि ये सब ग्रुप हो किसका, सेंटर ऑफ जी बाई जी आई, सेंट्रल सीरीज, सेंट्रल सब ग्रुप। हम यहाँ ये भी एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, दैट इज ऑल द फैक्टर ग्रुप्स जी आई माइनस वन बाय जी आई आर सेंट्रल सब ग्रुप्स, सेंट्रल सब ग्रुप्स ऑफ जी बाय जी आई, जी बाय जी आई यानी ये जो ग्रुप है वो इस ग्रुप के सेंटर का सब ग्रुप हो, ये फैक्टर ग्रुप इस ग्रुप के सेंटर का सब ग्रुप हो, यानी ये हमारे पास सब ग्रुप हो सेंटर ऑफ जी नॉट बाय जी वन, ये सब ग्रुप हो सेंटर, जी नॉट जो है वो जी के ही बराबर है, जी बाय जी टू, ये सब ग्रुप हो सेंटर ऑफ जी बाय जी थ्री, यानी नीचे हमारे पास जो ग्रुप है वो चेंज हो रहा है, जी आई जी वन था, जी टू जी थ्री, लेकिन यहाँ पर जी ही है, यहाँ पर भी जी वन है, यहाँ पर भी जी वन है, यहाँ पर जी टू है तो यहाँ पर भी जी टू है, यहाँ पर जी थ्री है, यहाँ पर भी जी थ्री है, तो जी आई माइनस वन बाई जी आई ये सब ग्रुप हो सेंटर ऑफ जी बाय जी आई का। तो कोई भी सीरीज हमारे पास सेंट्रल सीरीज होगी अगर वो नॉर्मल सीरीज हो, और हमारे पास ये जो फैक्टर ग्रुप्स हैं जी आई माइनस वन बाई जी आई ये सब ग्रुप हों सेंटर ऑफ जी बाय जी आई के। अब अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है जो अबेलियन है और वो आइडेंटिटी के बराबर नहीं है, हम एक सीरीज कंसीडर कर लेते हैं जी इज इक्वल टू जी नॉट, ये सेंट्रल सीरीज है। हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये शो करना है कि पहले ये नॉर्मल है,
जी वन जो है वो आइडेंटिटी ग्रुप है और ट्रिवियली नॉर्मल है जी नॉट में, यानी जी वन में, जी में, जी वन जी में नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल सीरीज है। ये क्या है? ये हमारे पास एक नॉर्मल सीरीज है। फर्दर हमने ये बताना है कि जी आई माइनस वन बाय जी आई, ये सब ग्रुप हो सेंटर ऑफ जी बाय जी आई का। सबसे पहले जी आई माइनस वन बाई जी आई फाइंड करें, दो ही ग्रुप हैं तो एक ही फैक्टर बनेगा जी नॉट बाय जी वन। जी नॉट बाय जी वन ये किसके बराबर है? ये जी के बराबर है। सिंस जी अबिलियन है, हम इसका सेंटर फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा? सेंटर फाइंड करेंगे तो वो जी ही होगा। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि जी नॉट बाय जी वन ये सब ग्रुप हो जी बाय जी वन का। अब जी नॉट बाय जी वन किसके बराबर आया? वो जी के बराबर है। और ये किसके बराबर है? ये सेंटर ऑफ जी, जो कि जी ही है। तो इसका मतलब ये है कि जेड नॉट बाय जी वन ये सब ग्रुप है सेंटर ऑफ जी बाय जी वन का, क्योंकि ये भी जी के आइसोमॉर्फिक है और ये भी जी के आइसोमॉर्फिक है, क्योंकि जी बाय जी वन जी ही है और उसका सेंटर निकालें तो वो जी के बराबर है, अबिलियन ग्रुप है। तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज हमारे पास एक सेंट्रल सीरीज है। यह सीरीज क्या है? सेंट्रल सीरीज है फॉर जी। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास क्यू एट है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे एंड प्लस माइनस के। हमें एक नॉर्मल सीरीज चाहिए, उसे हमने सेंट्रल सीरीज बनाना है। सबसे पहले तो हमें पता है कि अगर हम एक ग्रुप कंसीडर करें जो कि सेंटर के बराबर है क्यू वन प्लस माइनस वन, तो क्यू वन जो है ये क्यू एट में नॉर्मल है। अगर एक मैं सब ग्रुप कंसीडर करूं क्यू टू इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी जो कि वन है, तो क्यू एट क्यू वन एंड क्यू टू इज़ अ नॉर्मल सीरीज फॉर क्यू एट। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास क्यू एट बाई क्यू वन है ये सब ग्रुप है सेंटर ऑफ क्यू एट बाय क्यू वन का। सिमिलरली क्यू वन बाय क्यू टू ये हमने प्रूव करना है, ये हम सब ग्रुप है सेंटर ऑफ क्यू एट बाय क्यू टू का। अगर इसकी बात करें, क्यू वन है यहाँ पर, क्यू एट बाय क्यू वन, क्यू एट का ऑर्डर 8 है, क्यू वन का ऑर्डर 2 है, तो इसका मतलब ये है कि क्यू एट बाय क्यू वन का ऑर्डर 4 है। 4 है तो ये अबिलियन ग्रुप है। अगर ये अबिलियन ग्रुप है तो इसका मतलब ये है कि इसका जब हम सेंटर निकालेंगे तो वो क्यू एट बाय क्यू वन ही है। और ऑब्वियसली ये हमारे पास इसका एक इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ये तो क्यू एट बाय क्यू वन के ही बराबर है। नेक्स्ट हमने ये प्रूव करना है, इसके लिए अगर हम क्यू एट बाय क्यू टू निकालें तो वो किसके बराबर है? क्यू एट बाय क्यू टू ये आइसोमॉर्फिक होगा क्यू एट के, क्योंकि ये आइडेंटिटी है और ये क्यू एट इटसेल्फ है। और इसका सेंटर निकालेंगे तो वो किसके बराबर है? वो क्यू टू के बराबर है। और ये जो ग्रुप है, सॉरी क्यू वन के, नॉट क्यू टू, क्यू वन, ये भी क्यू, ये जो क्यू वन बाई क्यू टू ये भी क्यू वन के आइसोमॉर्फिक है। तो इसका मतलब ये है कि क्यू वन बाई क्यू टू ये हमारे पास सब ग्रुप है सेंटर ऑफ क्यू एट बाई क्यू टू का। इसका मतलब ये है कि ये सीरीज जो है सेंट्रल सीरीज है फॉर क्यू एट। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं। हमने ऊपर जब सेंट्रल सीरीज को डिफाइन किया तो हमने दो कंडीशंस रखी थी,
एक थी हमारे पास नॉर्मल सीरीज की और दूसरी थी सेंट्रल सब ग्रुप की। रिक्वायरमेंट वन वन क्या थी कि हमारे पास जी आई जो है वो जी में नॉर्मल है। रिक्वायरमेंट वन इज डिड्यूसेबल फ्रॉम टू बिकॉज अगर हमारे पास जी आई माइनस वन बाय जी आई ये सब ग्रुप हो सेंटर का, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस ग्रुप का हर एलिमेंट जी बाय जी आई के सेंटर में है। अगर इसका हर एलिमेंट देखें, अगर हमारे पास एक ग्रुप है जी और ये उसका सेंटर है, सेंटर में से मैं कोई भी एलिमेंट पिक करूँ वो जी के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा। जेड इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू जेड, जेड बिलोंग्स टू सेंटर। अब अगर मैं एक इसका सबसेट पिक कर लूँ या सब ग्रुप पिक कर लूँ सेंटर का एच, अगर मैं एच में से कोई एलिमेंट पिक करूँगा वो भी जी के एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगा। अब यहाँ पर क्योंकि इस ग्रुप का हर एलिमेंट सेंटर में है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी एलिमेंट पिक करें, फॉर एग्जांपल जी डैश कोई एलिमेंट है हमने जी आई माइनस वन में से पिक किया और जी जो है ये हमने पिक किया जी में से, तो जी डैश इंटू जी आई ये एलिमेंट होगा जी आई माइनस वन बाय जी आई का और ये एलिमेंट होगा जी बाय जी आई का। अब ये एलिमेंट जो है ये सेंटर में भी है, अगर सेंटर में है तो इस एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। इसका मतलब ये है कि जी डैश इंटू जी आई ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। अब क्योंकि ये एलिमेंट जो है ये सेंटर में है इसे हम जेड कह देते हैं, जेड इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू जेड। अब ये जी डैश जो है ये हमने जी आई माइनस वन में से लिया था, ठीक है। अगर यहीं पर मैं एक एलिमेंट पिक करूँ जी आई जो कि जी आई में से लूँ, स्मॉल जी आई जो है ये जी आई और ये सबसेट है सब ग्रुप है जी आई माइनस वन का, तो उस एलिमेंट के लिए भी ये कंडीशन फुलफिल होगी क्योंकि ये जी आई जो है ये जी आई माइनस वन में भी है, ये जी आई जो है ये जी आई माइनस वन में भी है। हमने क्या करना है, हमने जी आई को नॉर्मल बताना है। हमने कहा कि वन इज रिड्यूसेबल फ्रॉम टू, जी आई को नॉर्मल प्रूव करना है इसलिए हमने जी आई जो है यहाँ से पिक किया। अब ये जी आई माइनस वन में भी है, अगर जी आई माइनस वन जी डैश के लिए ये कंडीशन फुलफिल है तो जी आई के लिए भी होगी, तो यहाँ पर मैं इसे जी आई से रिप्लेस कर देता हूँ, जी आई इंटू जी आई और जी जी आई इज इक्वल टू ठीक है विच इम्प्लाइज जी आई इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू जी आई इंटू जी आई। अब क्या करें, दोनों तरफ जी इनवर्स अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा जी इनवर्स जी आई और यहाँ पर जी जी आई इज इक्वल टू जी आई इंटू कैपिटल जी आई। अब ये जी आई जो है ये इस ग्रुप का एक एलिमेंट है, यहाँ हमने कंसीडर किया था, इसका मतलब ये है कि ये जी आई के ही बराबर है, ठीक है। अब यहाँ इसका मतलब ये है जी इनवर्स जी आई ये बराबर है जी आई के, और हमें पता है कि अगर ए एच इज इक्वल टू एच हो तो फिर ए जो है वो एच में है, तो ये एक एलिमेंट था उसे जी आई से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जी आई आया। इसका मतलब ये है जी इनवर्स जी आई इंटू जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी आई। ये किसकी डेफिनेशन है, ये नॉर्मल सब ग्रुप की है, जी जो है वो हमारे पास जी बिलोंग्स टू जी था और जी आई बिलोंग्स टू जी आई है, तो इसका मतलब ये है कि जी आई इज़ नॉर्मल इन जी।
जी आई इज नॉर्मल इन जी। नेक्स्ट हमारे पास रिमार्क है कि जो हमारे पास लास्ट सीरीज हम बनाए तो वो थी जी नॉट अप टू जी के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पर जो टर्म है जी के माइनस वन, जी के माइनस वन इज अ सेंट्रल सब ग्रुप ऑफ जी, इज अ सेंट्रल सब ग्रुप ऑफ जी। क्यों? दिस इज सो बिकॉज अगर मैं जी के माइनस वन बाय जी के फाइंड करूँ तो वो किसके आइसोमॉर्फिक, ये आइडेंटिटी है तो ये जी के माइनस वन के आइसोमॉर्फिक है। हमने क्या प्रूव करना है कि ये जो है ये सब ग्रुप हो किसका, सेंटर ऑफ जी बाय जी के का। अगर मैं जी बाय जी के फाइंड करूँ तो वो जी ही है, और इसका सेंटर निकालूँ तो वो जी के बराबर आएगा, सेंटर ऑफ जी बाय जी के इज इक्वल टू जी। अब क्योंकि सेंट्रल सीरीज है तो ये ग्रुप इसका सब ग्रुप है, ये ग्रुप आइसोमॉर्फिक है जी के माइनस वन के और ये आइसोमॉर्फिक है जी के, तो इसका मतलब ये है जी के माइनस वन जो है वो हमारे पास सब ग्रुप है ठीक है। या हम ऐसे भी कह, क्योंकि जब हम यहाँ देखें z तो इसका मतलब यह है कि जी के माइनस वन जो है इज अ सेंट्रल सब ग्रुप ऑफ जी।